ड्रेस में फोटोशूट। तो ये देखिए, अगर आप फोटोग्राफी भी कराएंगे ना यहाँ पे, तो भैया ने बताया अभी कि एक फ़ोटो क्लिक तो ये काफ़ी सारी फ़ोटो करेंगे। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में हम घूमेंगे जल महल, और देख रहे हो पहले वाले आपने वीडियो में देखा होगा कि हम फोटो से ही घूमते थे, एंड इसमें भी ना हम वापस ई रिक्शा हमने ले रखा है एंड इसी से ही हम घूम रहे हैं। तो आप भी ना ऐसे ई रिक्शा ले सकते हैं फॉर चीप जर्नी के लिए, अपनी सस्ती ट्रैवलिंग के लिए ना आप ई रिक्शा ऐसे वाले ई रिक्शा आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 300 रुपीज़ के आसपास काफ़ी सारी जगह विजिट कर देंगे। तो आप जैसे जंतर मंतर भी घूम सकते हैं जैसे कि आपने पहले देखा होगा, एंड यहाँ से ही आप अभी हम जल महल पहुँच ही गए इवन। तो ये देखिए, ये सामने झील है, चलो एक बार उतर के देख लेते। तो भाई जल महल का सीन ऐसा है कि अंदर तो कहीं जा नहीं सकते हैं, और भैया ने हमें बताया, भैया हमारे गाइड बने हुए हैं, तो भैया ने हमें बताया कि 6 फ्लोर नीचे डूबा हुआ है जल महल, और बाकी 1 या 2 फ्लोर ऊपर है। तो ये देखिए, ये कॉरिडोर बना रहा है, यहाँ से आपको आगे आगे जाना है, और ये हाईवे है भाई। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जल महल, एंड यहाँ पर आपको ना कैमल राइड भी मिल जाएगी करने के लिए। तो भैया जी अभी यहाँ पे वेट करेंगे जब तक हम यहाँ पे आगे चल के घूम के आ जाएंगे भाई। और ये देखिए भाई, ये है ओके, यहाँ पे दुकानें भी बना रखी हैं, ये लहंगा चोली वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना वहाँ पे ड्रेसिंग हो रहा है, ड्रेसिंग होकर आप यहाँ पर फ़ोटोशूट कर सकते हो, बच्चे यहाँ पर गाड़ी भी चला सकते हैं। हाँ, तिरंगा जय हिंद। ये देखिए, ये यहाँ पे ड्रेसिंग और फोटोशूट, ये देखिए। सो चेतावनी, झील में नाना वर्जित है, ये पढ़ लो भाई आप। कुछ यहाँ पे वार्निंग्स दे रखी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। और ये देखो यार, पूरी झाड़ियाँ हैं। सोच रहा था यार मैं कि जल महल में शायद अंदर जाने देते होंगे, बट भाई यहाँ का सीन ऐसा है, दूर से देखो भाई, इतनी दूर से ही देखो। गोप्रो से ना जूम तो हो नहीं पाएगा इतना, हमें फ़ोन से एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे देखो आप, पूरा का पूरा पानी पानी है, और बताया यही है कि यहाँ से नीचे 6 फ्लोर डूबा हुआ है, पहले इतना पानी नहीं हुआ करता था, और अभी तो पूरा पानी भर चुका है और ऊपर 2 फ्लोर है। सो ये देखिए भाई, ये है जल महल, मतलब महल बीच में है, और चारों के चारों तरफ ना जल ही जल है, तो इसलिए इसका नाम जल महल पड़ गया। तो बताया यही है मुझे कि पहले इतना पानी नहीं हुआ करता था, अभी तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया है कि इतने पूरे फ्लोर्स डूब गए हैं, 6 के 6 इसके नीचे जो फ्लोर हैं। हाँ, जो पहले होते थे ना, तो पहले इतना पानी नहीं था, थोड़ा बहुत पानी जो जैसे ये ऊपर पहाड़ हैं, पहाड़ का पानी यहाँ पे आता था और डूबता नहीं था, मतलब जितने भी ये नीचे वाले फ्लोर्स हैं वो डूबते नहीं थे, तो इतना पानी यहाँ इकट्ठा हो गया कि ये वो वाले फ्लोर ही डूब गए हैं। यहाँ से ये पूरा व्यू ले लेते हैं, ऐसे फोटोग्राफी। ओ सी, छोटी बच्ची ऐसे। सो भाई, आप यहाँ पे यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, एंड बैकग्राउंड में ट्रेडिशनल ड्रेस तो रही रहेगी, और उसके बैकग्राउंड में ना ये जल महल रहेगा। यार मैं सोचा था सही में कि शायद अंदर जाते होंगे या ऐसा कुछ, मतलब बना रखा होगा कि मतलब चारों तरफ पानी होगा और बीच से चले जाते होंगे, पर भाई पता चला कि यहाँ तो दूर से ही देखो बस, और जैसे ये कॉरिडोर बनाया हुआ है ऐसे पूरा कॉरिडोर, मतलब ऐसे राउंड करके। पहले हमें वहाँ पे ले गए थे ऑटो वाले भैया, फिर हमने बोला नहीं भाई आप
हमें ना आगे वाली साइड से देखना है। तो ये देखिए, अगर आप फोटोग्राफी भी कराएंगे ना यहाँ पे, तो भैया ने बताया अभी कि एक फ़ोटो क्लिक, तो ये काफ़ी सारी फ़ोटो करेंगे आपकी, पर आपको जैसे ये फ़ोटो चाहिए ना, एक पीडीएफ में भी दे देंगे, आपके फ़ोन में भी दे देंगे, और ऐसे यही साइज़ देते हो निकाल के? जी, बिग साइज फ़ोटो, यही साइज़। ये कितना साइज़ है? ये ए फोर साइज़ में ये आपको ग्लॉसी में देते हो ना? हाँ, ग्लॉसी में ये आपको ए फोर साइज़ में आपको फ़ोटो निकाल के दे देंगे 100 रुपये में। कितनी फ़ोटो आप क्लिक कर देते हो, मतलब 4, 5, 6, 7 कितनी भी? जितनी आप खिंचवाना चाहो। जितने आप, अरे मतलब 100 खिंचवाएंगे तो 100 खींच देंगे। बट अगर आपको लेनी है भाई 10 फ़ोटो, तो उसका 1000 रुपये हो जाएगा। हज़ार। तो एक फ़ोटो अगर आप निकलवाते हैं ना, प्रिंट निकलवाते हैं, और या फिर आप अपने उसमें भी लेते हैं, फ़ोन में भी लेते हैं, तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। और ड्रेसेस क्या है भैया, जैसे मान लो लाल वाली है या काली, अलग अलग पहननी है? अलग, ब्लू है, पिंक है, हाँ, अलग अलग के तरीके की होती है। तो फिर उसमें मतलब 100-100 रुपये अलग 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 ड्रेस के ना? ठीक है। तो भाई आपकी अगर आपको एक फ़ोटो खिंचवानी है तो 100 रुपये हैं, और अगर आपको भाई मल्टीपल खिंचवानी है, ज़्यादा खिंचवानी है, तो जितने रुपए भी है ना इनटू कर लेना, 100 रुपये से आपको उतने रुपए। कुछ भैया ऐसा भी होता है कोई ज़्यादा खिंचाए तो कम हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, हो जाता है कुछ? हाँ, 150। और अगर ये एक खिंचवानी हो तो 100 ही होता है, फिक्स है सबका? फिक्स है, कोई ऐसा तो नहीं हो कि आगे जाके कोई सस्ता दे देगा? नहीं नहीं, सब बिग साइज फोटोज आते हैं, लोग हैं तो 100 का आएगा, और स्मॉल साइज लोग हैं तो ये 50 का आएगा। अच्छा, ये वाला 50 का है, तो ये वाला, ये क्या साइज़ है? ये छोटा साइज है। अच्छा, ये भैया इससे छोटा साइज़ है, साइज़ नहीं पता भैया को। तो ये 50 रुपये का है, 6-8 है। हाँ, ये 6-8 है, ठीक है, ये 6-8 है, और वो वाला A4 साइज़ का है, तो ये आपको 50 रुपीज़ में, वो 8-12 है। और तो भाई ये आपको फोटोग्राफी भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और बैकग्राउंड में ये, इसके अलावा भी भैया कोई व्यू होता है या फिर यही एक व्यू है? यही व्यू है ना? ठीक है, थैंक यू भैया। तो भाई जल महल भी घूम लिया, और यहाँ पे ना कोई टिकट नहीं होती है, क्योंकि टिकट तो किस चीज़ की होगी भाई, अंदर तो जाने नहीं, अंदर जाने का मतलब कोई सीन ही नहीं है, तो अंदर तो आप जा नहीं पाओगे, तो टिकट तो कोई है नहीं। यहाँ पे कॉरिडोर बना रखा है, आप कॉरिडोर में ही घूमते रहिए, एंड कॉरिडोर में ही आपको काफ़ी सारी खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी हैं, और कुछ ड्रेसेस वगैरह आपको बाय करनी हो, और ट्रेडिशनल वो भी, राजस्थान की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं या जूतियाँ वगैरह हो, तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, टाइमिंग से भी क्या ही है, कभी भी आप आ जाओ यहाँ पे। तो बस यही था यार जल महल में, और अब देखो यार कहाँ के लिए निकलते हैं, और कहाँ के लिए भी निकलेंगे वो आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में यही था यार आपके लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि जल महल के लिए, जल महल वैसे तो आपके लिए ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट के लिए, अगर आपको कोई मतलब फ़ोटोशूट करना है, फ़ोटोशूट का मैंने ऑलरेडी आपको प्राइस बता दिया, अगर फ़ोटोशूट वगैरह ज़्यादा आप करते हैं तो आपको लग जाएगा हार्डली 40-45 मिनट्स लग जाएंगे, इससे ज़्यादा का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर आप कुछ खा भी लेते हैं इसके इससे ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा। एंड आप आइए, वैसे अगर आपको फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो खींचनी है तो आपका 10 मिनट का काम है यहाँ पे, बस 10 मिनट में आप यहाँ पे घूम लेंगे, और कोशिश करना कि फ्रंट वाली साइड से थोड़ा सा मतलब पास में है, तो आप यहाँ से फोटोग्राफी आप क्लोज खींच पाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है आज जल महल में, बस यही है कि आप 6 फ्लोर नीचे डूबे हुए हैं, बाकी 2 फ्लोर ऊपर हैं। तो बस यही है यार इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना, जो भी गाइस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहा है तो उस तक ये वाली वीडियो शेयर कर देना, तो वो भी इस वाली वीडियो को देखने के बाद जल महल घूमना नहीं घूमना वो डिसाइड कर देगा। तो चलिए भाई, बाय बाय।